हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6 विच इज़ लाइंस एंड एंगल्स। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सो फर्स्टली व्हाट इज़ अ लाइन। तो लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिला करके क्या बनता है, लाइन बनती है। लाइन को कैसे शो करते हैं, इट इज़ अ लाइन। नाउ सेकंड डेफिनेशन इज़ व्हाट इज़ अ लाइन सेगमेंट। अगर ये लाइन का डेफिनेशन क्या होता है कि इसको इस साइड भी बढ़ाया जा सकता है एंड इस साइड भी ये बढ़ सकता है, बट लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट हो जाता है, मतलब ये दोनों साइड में बढ़ाया नहीं जा सकता। इन दो मतलब कि लाइन सेगमेंट में दोनों साइड एंड पॉइंट होते हैं। नाउ अनदर डेफिनेशन इज़ व्हाट इज़ अ रे। रे में हमारा सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और एक साइड वो बढ़ाया जा सकता है, वो पॉइंट बढ़ सकता है। सो इट इज़ अ रे एंड इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं ए बी एंड उसके ऊपर ऐसे बार टाइप का। एंड ये रे को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ए बी के ऊपर एक रे। नाउ अनदर डेफिनेशन इज़ व्हाट इज़ एन एंगल। सो एंगल क्या होता है, अगर हम कोई दो रेज ऐसे ले जिनका एंड पॉइंट सेम हो। सपोज़ हमारे पास दो रेज हैं ओ ए एंड ओ बी, इन दोनों का अगर एंड पॉइंट सेम हो जाता है तो वो एक एंगल फॉर्म करते हैं, लाइक दिस। अगर ये कोई एक रे है ओ ए एंड ये कोई एक अनदर रे है ओ बी और इनका एंड पॉइंट क्या है, सेम है, सो ये हमारा क्या बन जाता है, एक एंगल। और इस एंगल को क्या बोलेंगे, ए ओ बी। और इसको लिखा कैसे जाता है, एंगल ए ओ बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ एंगल। तो एंगल्स बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है एंड 0 डिग्री से ज़्यादा। सो एक्यूट एंगल कैसे फॉर्म होता है, ये कोई अगर एंगल हमारा फॉर्म होता है, ये 0 डिग्री से ज़्यादा एंड 90 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब 0 से लेके 90 के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। सेकंड वन इज राइट एंगल। सो राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल। जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल होगा वो हमारा होगा एक्यूट राइट एंगल ओ ए बी। सो ये 90 डिग्री का जो एंगल होगा ये हमारा कहलाता है राइट एंगल। नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। सो इसको इस प्रकार बनाते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। सो ये जो हमारा एंगल होगा ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है एंड 180 डिग्री से कम होता है। सो नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एक्यूरेट 180 डिग्री जो होती है, 180 डिग्री का एंगल जो फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, ये एंगल, नॉट दिस, ये एंगल। ये कोई पॉइंट है जहाँ से एंगल हम लोग नाप रहे हैं। तो ये बस रफली समझा रही हूँ मैं, ये मतलब कि आप देख लेंगे 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ रिफ्लेक्स एंगल, ये 180 डिग्री से ज़्यादा होता है बट 360 डिग्री से कम होता है। सो इट इज़ अवर रिफ्लेक्स एंगल। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल। सो कंप्लीट एंगल जो होता है वो हमारा 180 डिग्री का होता है। इसे कैसे बनाते हैं, ये अगर कोई पॉइंट है हमारा, यहाँ से हम नाप रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारा 360 डिग्री फॉर्म करेगा और ये हो जाता है हमारा कंप्लीट एंगल। कुछ और चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, इक्वल एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो व्हाट आर दीज। तो इक्वल एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स जिनका जो मेजर हो वो सेम हो। मतलब अगर कोई भी टू एंगल्स हैं ए ओ बी एंड कोई भी ए बी सी, दो एंगल्स हैं, अगर उनकी वैल्यू सेम है, जैसे 45 डिग्री का एक है दूसरा भी 45 डिग्री का होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपस में उन्हें कहेंगे इक्वल एंगल्स। सेकंड वन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, अगर कोई दो एंगल हो, ठीक है, दो एंगल हो, सॉरी
कोई दो एंगल हो, अगर ये 35 डिग्री का हो और ये 55 डिग्री का हो, ठीक है। अगर इन दोनों का सम, दो ऐसे एंगल्स जिनका सम जो हो वो 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे ये 55 है एंड ये 35 है, इनका सम कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। सो इनको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स जिनका जो सम हो वो कितने के बराबर हो? 180 डिग्री के बराबर हो। जैसे अगर कोई एंगल ले लिया हमने, मान लिया एक एंगल है 62 डिग्री का, ठीक है, ये मान लिया 62 डिग्री का है। सेकंड वन हमने मान लिया कि 118 डिग्री का है। अभी ये रफली मैं बना के समझा रही हूँ बस, तो आप समझ लेंगे, एकदम ज़रूरी नहीं है कि 62 डिग्री का हो, मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं आपस में सप्लीमेंट्री कब होंगे? जब वो इनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री, एंड इक्वल एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल्स जो आपस में बराबर हो। अगर एक 20 डिग्री है, दूसरा 20 डिग्री है, या एक 25 है, एक अनदर भी 25 है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल एंगल्स। वी विल सी सम थ्योरम्स, उनका प्रूफ हम नहीं देखेंगे बिकॉज प्रूफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट स्टेटमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें इसकी मदद से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम इज़, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक लाइन है ए डी एंड सेकेंड लाइन है सी बी, अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, मतलब ए ओ बी और सी ओ डी, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो क्या क्या है, अगर दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं आपस में बराबर होंगे। दिस इज़ द फर्स्ट थ्योरम। सेकंड वन इज़, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। मतलब अगर किसी लाइन पे अगर एक रे ड्रॉ करी गई हो, तो उनका जो सम होगा, जो दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होंगे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि वो एक लाइन है और लाइन जो है हमारा वो क्या होता है, 180 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होंगे उनका सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा।